हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरी चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल की ऐसी सब्जी जो अगर आपको परवल अच्छे भी नहीं लगती हो तो भी आप बहुत ही खाएंगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो उसकी आज हम भरवा परवल की सब्जी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम परवल ले लिए है और उसको अच्छे से हम इसके ऊपर की स्किन निकाल देंगे। तो इसके ऊपर के जो लेयर होते हैं उसको अच्छे से हमें इस तरीके से पिलर की हेल्प से सारे के सारे को हटा देना है, निकाल देना है। और इसको एक बाउल में हम सारे को इकट्ठे करते जाएंगे। वैसे तो ये परवल की सब्जी और भी कई तरीके से होती है, पर अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको घर में सबकी फेवरेट बन जाएगी। मेरे घर में तो वैसे ये सबकी फेवरेट सब्जी है और मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो ये पंजाबी सब्जी को भी टक्कर दे सकती है। तो सारी इस तरीके से इसकी ऊपर की स्किन हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो वीडियो में मैं इस तरीके से इसकी सारी स्किन निकाल के बीच में से इसको कट करेंगे। और इसके बीच में जो बीज होते हैं उसको हम इस तरीके से पिलर की जो होती है साइड में शार्पन वाली, उससे हम इस तरीके से हटा देंगे। अगर आपके पास ऐसा पिलर ना हो तो आप स्पून स्पून की मदद से भी इसको हटा सकते हो। बीच में से इसको कट लगाएंगे और इसको बीच में से इसके सारे सीड्स यानी कि बीज होते हैं उसको हम निकाल देंगे, कि वैसे भी वो थोड़े कुड़कुड़ होते हैं तो कई लोगों को ये खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो इसको इस तरीके से सबसे पहले हटा देना है और इसके अंदर इस तरीके से गैप बन जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें पहले कर लेनी है। अगर पके हुए थोड़े बहुत हो तो उसके भी बीज आप इस तरीके से हटा के उसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसका यूज़ आप नहीं कर सकते। तो मैंने इस तरीके से सारे रेडी कर लिए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये है गाठिया गुजराती स्टाइल वाला जो हमने कहीं पे भी, या आप इसके बदले सेव या तो फिर आलू की सेव या कोई भी भुजिया भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चवाना ले लिया है थोड़ा सा। दोनों चीज़ों को हमने इसमें एक मिक्सिंग जार में ले लिया। इसको हम इस तरीके से पैक करके इसको हम दरदरा क्रश कर लेंगे। ध्यान रहे इसको हमें पल्स मोड पे क्रश करना है। इसको हमें इस तरीके से ही क्रश करना है, एक साथ नहीं करना है, वरना क्या होगा कि ये एकदम चिपक जाएगा जार में और ये एकदम स्टिकी बन जाएगा, इसमें से एकदम ऑयल निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें हिला डुला के इसको इस तरीके से क्रश कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने क्रश कर लिया है। अभी मैं इसको एक बॉल में निकाल दे रही हूँ। तो मैंने जहाँ पे ये परवल काट के रखे मैं सेम बॉल में ही इसको रख रही हूँ। अभी आप चाहो तो दूसरे बॉल में भी इसको निकाल सकते हो, पर मैंने सेम बॉल में ही यूज़ कर लिया है। तो इसी बॉल में मैंने साइड में थोड़ी सी जगह करके ये मसाले को इस तरीके से निकाल दिया था। अभी इसमें कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने जो चवाना डाला है उसमें ऑलरेडी सारे टेस्ट होते हैं। तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो ये एकदम ऐसी ट्रिक है कि आपको ना तो बेसन को भूनने की झंझट या तो कोई भी टाइम भी नहीं बिगड़ेगा और ये फटाक से आपके 10 मिनट में सब्जी इस तरीके की बन के रेडी हो जाएगी। इसको बीच में इस तरीके से मैंने फील कर दिया है, थोड़ा सा दबा के करेंगे ताकि क्या है कि ये बाहर ना निकल जाए ज़्यादातर मसाला। तो सारे परवल के बीच में इस तरीके से हम मसाले को दबा के इस तरीके से ऐड कर देते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की कढ़ाई ले ली है, उसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया है और अभी इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे। बाद में हम इसका बाकी का मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और रोटी के साथ अगर आपको 3 रोटी खानी है तो आप 4 से 5 आसानी से खा सकते हो। ऐसी इतनी मज़ेदार ये सब्जी बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म हो गया है तो यहाँ पे मैं राई, जीरा और 1 पिंच हींग ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हम लहसुन की चटनी में ऐड कर रही हूँ। अगर अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं ज़रा सी लहसुन की चटनी जो मैं बना के रेडी ही रख देती हूँ फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा सोते कर देंगे इस तरीके से, चम्मच से दबा के इस तरीके से चला लेंगे। और अगर आप ये लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने जो परवल हमने रेडी करके रखे थे मसाले से फील करके उसको हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। सारे परवल को इस तरीके से ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से हम स्पून की मदद से सोते कर लेंगे, चला लेंगे, ताकि ये जो ऑयल है वो सारे परवल पे गरम गरम ऑयल अच्छे से कोट हो जाए। तो सबसे पहले यही हम करने वाले हैं, इसको सारे परवल को इसमें ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसको हमें हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करना है,
वरना क्या होगा कि हमारा मसाला अगर आपने हल्के हाथ से भरा होगा तो बाहर निकल जाएगा। तो ये बात का खास ध्यान रखना है कि इसको इसी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्स हो गया है तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पे मसाले में भी अंदर ऑलरेडी नमक दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से थोड़ा ही नमक जितना स्वाद अनुसार ही डालना है। थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और वापस से इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अभी हम लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे नहीं डालेंगे और बाकी के मसाले भी हम बाद में डालेंगे। तो इसको अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही पानी डालने वाली हूँ, तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच जितना ही पानी यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें जो हमने मसाला डाला है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑयल पे निकला है वो तो नीचे बैठ ना जाए और हमारी सब्जी जल ना जाए, इसलिए हम थोड़ा सा एकदम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम वापस से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे डाला है, जिससे क्या होगा कि अच्छे से पक भी जाए और कच्चे ना रहे। और अभी इसको ढक के हम 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि वैसे भी परवल बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो अभी तकरीबन 6 मिनट जितना हुआ है तो मैं भी देख लेती हूँ ये अच्छे से पक गए। और आप देख सकते हो सब्जी बिल्कुल नीचे बैठी नहीं है और बिल्कुल जली भी नहीं है। तो इसको अच्छे से इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हो ये अच्छे से पक गई है। मैंने चेक किया, ये अच्छे से पक गए हैं परवल हमारे। और वे ऑलरेडी हमारा मसाला था वो भी ऑलरेडी हमने चवाना और वो सब यूज़ किया था, तो वो जल्दी से पक जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे दो एक टमाटर मैंने लिया, उसको बीच में से मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और इसको इस तरीके से हम कद्दूकस करके डाल देंगे। अगर आपको इस तरीके से कद्दूकस नहीं करना है तो आप मिक्सी जार में इसका पेस्ट बना लीजिएगा और इसको इस तरीके से आप डाल दीजिएगा। मैंने अभी यहाँ पे पेस्ट नहीं बनाया है। इसी तरीके से मैंने इसको, जिसके हम अदरक को कद्दूकस करते हैं चाय वगैरह में डालने के लिए, उसी तरीके से छोटी सी इस तरीके की चीज़ से मैंने इसको कद्दूकस करके अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने पूरा एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसकी ग्रेवी मैंने इस तरीके से बना ली है, जिससे क्या होगा कि इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये थोड़ा ग्रेवी वाला भी बन जाएगा। इसको अच्छे से वापस से हम हल्के हाथ से, ध्यान रहिए एकदम टूट ना जाए, इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वरना क्या होगा कि आपके परवले बहुत ही एकदम ज़्यादा वो हो जाएंगे। तो इसको हमें बिल्कुल मैश जैसा नहीं करना, इसलिए इस तरीके से। अभी यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार अपने हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं हल्का सा गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को मसाले वाला ऐड करके हम इस तरीके को इसको अच्छे से वापस से मिक्स कर लेंगे। इसको बनने में सिर्फ 10 मिनट भी पूरी नहीं हुई है, 8 मिनट में सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो ये बनाना बिल्कुल ही आसान है। और वापस से इसको 1 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि हमने टमाटर डाला है तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे ढक के। इसके पहले यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मसाला बच गया था तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रही हूँ। ये चवाना और गाठे का मसाला है, तो इसको ज़्यादा हमें ऐसा नहीं है कि पकने देना है, ये ऑलरेडी पका हुआ होता है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से एकदम टेस्टी बने और ये थोड़ी एकदम क्रिस्पी वाली सब्जी बने। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसको अभी तेल छूटने के लिए, जब तक इसका तेल छूटे तब तक के लिए 1 मिनट के लिए हम ढक के इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तो इस तरीके से हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई। इसको हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनके रेडी हुई है। आप भी इस तरीके से अगर घर में परवल वगैरह अच्छा नहीं लगते तो बना के आप बना सकते हो। तो अभी इसको हम सर्व कर देते हैं रोटी वगैरह के साथ। तो यहाँ पे मैंने आज आम रस निकाला है और यहाँ पे सब्जी भी हमने ये वाला यूज किया है, तो रात के डिनर में मैंने ये सब्जी रोटी और आम रस बनाया था। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अब तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी जाके आप ऐसे नई नई रेसिपी सीख सकते हैं और बहुत ही ईजी वाली स्टाइल में। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में मेरी रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।